साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये समाज के सभी बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी मेरे भाई बहन खड़े हैं, आप हमारी आवाज़ और हमारे हौसले और हमारी लड़ाई को, जो अगर वास्तव में भारतीय संविधान को आप जिंदा रखना चाहते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, इधर जो लोग खड़े हैं, क्रांतिकारी लोग खड़े हैं, वो सब एक विचार और एक मत से आगे काम करें। और ये जो मेरा युवा वर्ग और मेरी बहुजन समाज की मीडिया है, इस देश के संविधान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अगर वास्तव में आज के बाद इस देश में कोई है तो बहुजन मीडिया की है। और आपके इस महान काम को हम सैल्यूट करते हैं, आपके इस महान काम के लिए दिन रात जहां पर भी आप लोग हमारे को याद करेंगे, क्योंकि ये जो काम आज आप जिंदा कर रहे हैं और बहुजन समाज के नाम को और भारतीय संविधान को आज देश की सरकारों के कान में जो जोर रेंग रही हैं, वो सिर्फ इस बहुजन मीडिया के कान से रेंग रही है। अगर ये बहुजन मीडिया इस देश की क्रांति को नहीं दिखाए तो इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है। कोई 26 नवंबर को कार्यक्रम हम किसी विशेष चैनल पर, बड़े चैनल पर नाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग जो बड़े दुख सुख पाकर बड़े तंग स्थिति में भी आज हम लोगों की आवाज़ को देश के अंदर फैला रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ तन मन धन से और सभी हमारे साथी जितने भी यहाँ खड़े हैं, बगैर किसी भेदभाव और बगैर किसी द्वेष के साथ हम ऐलान करते हैं कि बहुजन मीडिया भी एक है और बहुजन चिंतक वर्ग और बहुजन लड़ने वाले लोग भी एक हैं। इसलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए मैं ऐलान करता हूँ, 25 नवंबर पे जहाँ कार्यक्रम है, 26 नवंबर पे जहाँ कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों में हज़ारों की संख्या में सब लोग जाने चाहिए। और ख़ासकर जो 26 नवंबर को आप लोगों ने शाम को कार्यक्रम रखा हुआ है, बहुजन मीडिया का जो एक कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें हम भी हज़ारों की संख्या में आपके साथ जुड़ेंगे और इस मैसेज को देश के अंदर नहीं विश्व में फैलाएंगे। तभी बाबा साहब देश के सर्वोपरि होंगे, तभी संविधान की मान्यता होगी और तभी यहाँ की सरकारों और यहाँ के गवर्नेंस के ऊपर जू रेंगेगी। नहीं तो ये बात मान के चलिए, सारी चीज़ें संविधान के खिलाफ चल रही हैं, आपके पक्ष में कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसकी जबान काट दी जाती है, कोई आंदोलन करता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और कोई ज़्यादा बोलता है उसके खिलाफ साजिश रच के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं सभी एक साथ होकर और बहुजन मीडिया आपकी जिम्मेदारी और आपका जो क्रेज और आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो देश के अंदर योगदान है, उसको बहुजन समाज हमेशा याद रखेगा और हम उसको सैल्यूट करते हैं और हम आपके साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 नवंबर को गढ़वाल भवन LDF कार्यक्रम कर रहा है, पद्मश्री कल्पना सरोज हमारी बहन वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आ रही है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।